दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने आपको इंदौर से देवास तक जो रेल लाइन दोहरीकरण का जो काम हुआ है बरेली से देवास तक, तो वहां का मैंने आपको पूरी आपको जर्नी दिखाई थी। लेकिन कुछ हार्ड लक रहा कि वो जो ट्रेन थी बीच में रुक गई, चूँकि कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गए और फिर ट्रेन वहीं खड़ी रह गई। तो मैं आपको उस टाइम देवास तक का ही अपडेट दिखा पाया था। दोस्तों आज एक बार फिर मैं सवार हो रहा हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं मोहिंद इंदौर कटरा मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, और मैं आपको बताऊँगा देवास से उज्जैन तक की जर्नी। और मेरे इस जर्नी में जो मेरे साथी हैं वो हैं मेरे पुत्र जो रिदम जलधारी, जिनका यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक भी मैं आपको वीडियो में दूँगा, और दूसरे मेरे जो साथी हैं जो कि पिछली जर्नी में भी मेरे साथ थे, मयंक करोसिया इंदौर जंक्शन वाले। तो दोस्तों अब हम देखते हैं देवास से आगे देवास से उज्जैन तक अभी डबलिंग की क्या प्रोग्रेस है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं देवास रेलवे स्टेशन, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे साथ में है रिदम जलधारी और मयंक करोसिया, और पहले की तरह हम इस बार फिर से आए हैं। अपनी जर्नी अब हम लोग कर रहे हैं और देवास से लेके कर्चा तक। दोस्तों अब हम लोग क्या डबलिंग का क्या क्या वर्क हुआ जो कि पिछली जर्नी में रह गया था वो अब हम आपको दिखाना चालू करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों यही वो स्पॉट है जहाँ से हम लोग वापस छोटे से पिछली जर्नी पुरानी लाइन है दोस्तों, और हम जिस पे चलते हैं वो
रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये जो जर्नी थी देवास से लेके उज्जैन तक दोहरीकरण के कार्य की अपडेट के साथ, वो अब ये पूरी हो रही है। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अराइवल के साथ ही मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन और मैं इसी के साथ में अपना वीडियो जो है वो खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप कितनी भयानक बोल रहे हैं।